हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर का एजुकेशन चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे होम टेप के अंतर्गत यूज होने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एडवांस यूज। जनरली हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज तो जानते ही हैं, आइए इसमें कुछ हम लोग सीखते हैं एडवांस। देखिए, यहाँ पर एक हम शीट बनाकर रखे हुए हैं। इसमें यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, जिसमें CPU, कीबोर्ड, रैम इत्यादि हम दिए हैं। दूसरा जो कॉलम उसमें मंथ है, तीसरा कॉलम में आपका क्वांटिटी है, उसके बाद सेल 2020, सेल 2021 और टोटल सेल है। अब इस जो सीट है, इस सीट में हम चाहते हैं कि इस जगह पे अगर हम जिस आइटम को, जिस प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करें, उस प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली हाइलाइटेड हो जाए। जैसे अभी कीबोर्ड देखिए यहाँ पर हाइलाइटेड है। चलिए हम रैम पे क्लिक करते हैं, देखिए रैम आपका जो है यहाँ पे हाइलाइटेड हो गया। इसी तरह से अगर हम CPU पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका CPU जो है सिर्फ और सिर्फ CPU हाइलाइटेड होता है। चलिए अब मंथ पे आते हैं, मंथ में भी देखिए आप जनवरी पे क्लिक किए तो आपका जनवरी हाइलाइटेड हो गया। चलिए मार्च पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका मार्च हाइलाइटेड हो गया। फिर इस तरह से अगर हम फरवरी पे क्लिक करते हैं तो फरवरी हाइलाइटेड हो जाता है। तो इस प्रकार का एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ अपने सीट पे हम लोग कैसे करेंगे, तो इसी को आज हम लोग सीखते हैं। तो लेट ना करते हुए हम वीडियो को अब शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम दो सेल ले लेते हैं, चार, ठीक है, चार सेल को ले लिए। इस चारों सेल को यहाँ पर हम इसमें बॉर्डर डाल दिए, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर सेल को हम यहाँ से, ठीक है, ऊपर में थोड़ा सा दे देते हैं इस तरह का कलर और नीचे में फिर थोड़ा दे देते हैं अलग सा कलर। जनरली इस तरह का आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर हम ले देते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, और इस जगह पर ले देते हैं हम मंथ, ये दोनों हम लिख दिए हैं। अब क्या करना है, दोनों के नीचे हमको अब एक लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग डेटा वेरिएशन का यूज़ करते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। डेटा टेप पे जाएंगे, डेटा टेप पे जाने के बाद डेटा वेरिएशन कमांड पे क्लिक करेंगे, देखिए एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में आपको यहाँ पे लिस्ट वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ कर्सर रखना है। चलिए प्रोडक्ट का नाम को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक किए, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट का नाम आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से हम मंथ का लिस्ट तैयार कर लेते हैं। डाटा वेरिएशन पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन को लिए और फिर यहाँ क्लिक करके माउस पॉइंटर को हम यहाँ से मंथ वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिए, चलिए आपका मंथ भी यहाँ आ गया। ये तो हम लिस्ट बना लिए पहले अपना, हम प्रोडक्ट नेम का और मंथ का। चलिए अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट नेम को हमने सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद होम टैब पे गए, होम टैब पे जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला जो कमांड हमारा है इस पर क्लिक किए। इसमें दिया रहेगा आपका, देखिए यहाँ पर न्यू रूल्स, न्यू रूल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस डायलॉग बॉक्स में आपको यूज ए फार्मूला पे जाना है। यूज ए फार्मूला पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कर्सर रखना है और फर्स्ट जो आइटम आपका है यहाँ पर, ये फर्स्ट आइटम हमारा माउस है, माउस पे हम क्लिक किए। माउस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है डॉलर का जो साइन है बीच में, ये डॉलर का साइन को यहाँ से हटा देना है। तो डॉलर का साइन को हटाने के बाद इक्वल का साइन देना है, डॉलर का साइन हटाने के बाद इक्वल का साइन देना है और इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करना है, उसके बाद इसका फिल कलर क्या होगा ये हम चलिए येलो ले लेते हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। उसके बाद हमने ओके पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जिस भी आइटम पर हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, चलिए माउस, देखिए माउस आपका हाइलाइट हो गया, कीबोर्ड, देखिए कीबोर्ड हाइलाइट हो गया। फिर चले लेते हैं हम CPU, तो ये हमारा
कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पे काम करने लगा। प्रोडक्ट नेम की तरह ही आप देखिए हम मंथ वाले कॉलम में एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ जनवरी से लेकर के अप्रैल तक जो लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाएं और होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले कमांड पे क्लिक करें। एक लिस्ट खुलेगा, इसमें देखिए आपका दिया हुआ यहाँ पर नीचे पे न्यू रूल्स, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें, न्यू रूल्स वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें एक ऑप्शन सबसे लास्ट में दिया रहता है यूज ए फॉर्मूला, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कर्सर यहाँ पे रखना है और सबसे पहला जनवरी वाला जो महीना दिख रहा है आपको पहला ये मंथ वाले महीने पर क्लिक करना है, मंथ वाले सेल पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बीच से जो डॉलर का साइन है इसको आपको एक हटा देना है, एक ही डॉलर, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर इक्वल देना है और इक्वल का साइन देने के बाद इस पर आप क्लिक करें, इस सेल पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद इसका फॉर्मेटिंग आप सेट कर लीजिए कि किस प्रकार का फॉर्मेटिंग आपको चाहिए। हम ले लेते हैं बैकग्राउंड ब्लू ले लिए हैं और फॉन्ट कलर वाइट ले लिए हैं और उसके बाद हमने ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए हम यहाँ पर मंथ वाले ऑप्शन को चेंज करते हैं, जनवरी करते हैं। तो जनवरी वाला जितना भी मंथ था सब देखिए हमारा हाईलाइटेड हो रहा है। उसके बाद देखिए हम फिर ले लेते हैं मार्च, तो देखिए मार्च वाला सब हमारा हाईलाइटेड हो रहा है। तो इस प्रकार से हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज अपने शीट में कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।